हम इस समय पंचैरी की तरफ जा रहे थे, कैंथ गली तक बड़ा बेहतरीन रास्ता है। कैंथ गली पहुंचने के बाद आगे वो टूरिस्ट विलेज, जिस टूरिस्ट विलेज की कहानियां सुना सुनाकर प्रशासन मुझे और आपको लुभाने की कोशिश करता है कि हम सब लोग पंचैरी जाएं, ये रोड है कैंथ गली से लेकर ठीक पंचैरी तक की ये सड़क है। ये आप देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं। भाई साहब, कितना टाइम लगता है कैंथ गली से पंचैरी? पौना घंटा लग जाता है। पौना घंटा लग जाता है। कितने किलोमीटर होगा? 7 किलोमीटर पूरा। 7 किलोमीटर और यही रोड है? यही खतरनाक रोड। ऐसा ही है। कितने साल से ये नहीं बना? हमें ऐसा ही दिखा अभी। कितने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल हमें ऐसा ही देखा, कभी यार बना नहीं ये रोड। कभी नहीं बना ये रोड? नहीं, बनता है 2 महीने के लिए लुक रहती है, फिर खत्म हो जाती है। वो कैसी लुक है जो 2 ही महीने रहती है? कोई समझ नहीं आई इनकी कैसा। ऐसा तो नहीं बर्फ पड़ती है यहाँ पर? बर्फ पड़ती है। लेकिन अगर कश्मीर में बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने के बावजूद सड़कें रहती हैं, यहाँ बर्फ पड़ती है तो रोड खत्म? ये कोई समझ नहीं आई इस बात की। ये आज तक समझ नहीं आई? ये बहुत बड़ा मसला है। जी जी। इतना खूबसूरत पंचैरी का इलाका, ठंडा इलाका, न गर्मी न कोई और चीज, लेकिन जा नहीं सकते वहाँ। रोड की वजह से परेशानी है, नहीं तो ये लोग आते हैं इधर, बहुत टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आते हैं रोड की वजह से, ये बहुत मुश्किल है इधर, बहुत मुश्किल है। सुन लिया आपने, ये सच्चाई है। पंचैरी टूरिस्ट विलेज, सरकार ने डिक्लेयर किया पंचैरी को टूरिस्ट विलेज, और ये टूरिस्ट विलेज की सच्चाई है। ये आपको हम दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चले कि टूरिस्ट विलेज की हालत क्या है। ये है पंचैरी टूरिस्ट विलेज, ये बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए है। आप लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं? नहीं सर, हम जॉब करते हैं। अच्छा, आप लोग जॉब करते हैं तो ये सड़क के ऊपर, मतलब मुझे लगता है खाना पच जाता होगा। हाँ, वो तो पचता है सर, सारा खाना पच जाता है। कितने साल से अब इस सड़क को ऐसा ही देख रहे हैं? ऐसा सर हो गया 10 साल से। 10 साल मिनिमम। हाँ, ये लीजिए, ये सुन लीजिए, खाना भी पच जाता है, सड़क इतनी कमाल की है। ये आप देखिए पंचैरी का इलाका और इस इलाके के साथ क्या ज्यादती जो है वो सरकारों ने की है। इतना खूबसूरत इलाका और ठंडा इलाका, जबरदस्त ठंड इस इलाके में आपको लगती है। आप जरा इस इलाके का सीनिक व्यू देखिए कि कितना खूबसूरत इलाका, और इस इलाके में, इस इलाके की डेवलपमेंट का हाल क्या है। मेरे कन्ने सुनने सागर और ना। बोलो सागर, से सुनाओ मी। आस्ते जिया आए दे हैं, लगा रहा अगे बात पूछी आना है। तौले क्या? तौले की पूछना। और मैं दसा तुसेंगी। हां, इधर आओ सर, धुप उठू है। आउन दो धुप, इथे धुप केड़ी इन्नी के पौनी है, खास करिए जिले उधमपुरा। आओ यार, तुस भी आओ, आओ गल करो। उधमपुरा अस उपर वाली बखी आए हां, पंचैरी वाली बखी। कैंथ गली तक ठीक है, ठीक रस्ता, लेकिन कैंथ गली कोला लेइए पंचैरी तक जेड़ी रस्ते दी हालत मी बड़ी खस्ता निकली है। और खास गल ये है भाई, जियां उन्हें आख्या कि बर्फ जिल्लै पौंदी है ते जिहड़ी लुक पाई दी हुंदी है वह रुढ़ी जांदी है, लुक इयां बणी जांदी सड़क जियां खड्ड है। चवाद मी इस गल्ला दा लगदा, पूरे हिंदुस्तान च जिहड़ियां बर्फबारी वालियां रियासतां न, सारा बर्फ, हिमाचल च भी बड़ी बर्फ पौंदी है, उत्तराखंड च बड़ी पौंदी है, जम्मू कश्मीर घाटी भी बड़ी पौंदी है, लेकिन उत्थे ते सड़कां लुक जिहड़ी है ओह ते उत्थे रुढ़दी नहीं है। इह मकामी लोग ने। सुनाओ जी, चक्कर के सड़क के सड़क उप्पर साधन कोई नहीं? सर, आने जाने दा साधन असें पूरी जिंदगी ऐसा ही कट्टिया। अच्छा। हां, वो तो मी आखा दे शीशे वाली सड़क है, मी कोई सुना दे आखा दे शीशे वाली सड़क है। यहां से आप जब वहां तक जाएंगे, पंचैरी तक जाएंगे, कहते शीशा सड़क है, तो यही शीशा है? यही शीशा, हमको यही शीशा मिला है। कितने साल का तुम्हें ये शीशा लगे? 3 साल हो गए सर दिखदे असें। अच्छा, तो बनती रोड है? बनती बस 2 महीने, बनती 2-4 महीने बस। लुक पौंदी 2-4 महीने रौंदी है बस। लुक पौंदी कुत्थे? बस पाई दी काकले पत्तरे पांदे। कागज पत्तरे चिक पांदे। देखिए जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से आपसे विनम्र विनती और आग्रह कि J&K बोर्ड के बच्चों के नंबर बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को सड़क की जरूरत है। और ये कैंथ गली से लेकर पंचैरी तक का, और पंचैरी का ये खूबसूरत इलाका जो टूरिज्म के हिसाब से नंबर वन इलाका है जम्मू का, इस इलाके की खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन ये देखिए ऑफ रोड रू के लिए है ये। आप देख सकते हैं कि यहां अगर आपने गाड़ी चलानी है तो बड़े टायर वाली गाड़ी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी यहां पहुंच सके। और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने इस सड़क के ऊपर लुक नाम की कोई चीज
देखी नहीं आज तक। ये जो एक्सियन आते हैं बड़े बड़े, ये पीडब्ल्यूडी के बाबू लोग, उनको नहीं पूछते आप लोग गई कहाँ? सर बहुत बार पूछा हमने। तो क्या बोलते हैं? हाँ डाल रहे हैं, डाले हम तो अच्छा मटेरियल डाल रहे हैं। हाँ तो मटेरियल जाता कहाँ है? जाता कहाँ? जो बारिश आती है, नालियां देखो इनकी, देखो कंडीशन, देखो रोड की। आप ये चोपू नाला कब से है? 40 साल से यही है। आप कहते टूरिस्ट विलेज बन गया है, अब बड़ा टूरिस्ट आ रहा है, ऐसे इतना बुरा हाल है। किसी का चैम्बर टूट जाता है, किसी की गाड़ी टूट जाती है, तो कोई पंचायती जाएगा तो जा। तो मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी। सागर सर, ये जरा जुल्म इस इलाके करने ओवा दा ते कुदर ने साडे लीडर और देखो होंदा है भाई। मिगी लगदा है कि इत्थों दे जेड़े बसनीक न ओह भी अपनी आवाज नहीं चुकदे। जिन चिर आवाम नहीं जागुग इन्ने चिर काम नहीं होंदे। नीतीश जी आओ, तुस भी अपना विचार दो। सर ये रामनगर की सड़क नहीं बनी, ये कहाँ बननी है? यहाँ पे आते आते ये कह रहे हैं शीशा सड़क है। मैं कह रहा हूँ मेरे फेफड़े बाहर आके खाते आते यहाँ पर। अच्छा सर, बुरी हालत है कसम से। मेरे को लगा आपने जब बोला पंचायती जा रहे हैं, मैंने पता नहीं कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह। तो जगह का कोई मुकाबला नहीं, जगह खूबसूरत है, पर जब जाता है ना बंदा उसका दिल टूट जाता है। दुखी ये देखकर मैं सच में दुखी हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये कैंथ गली से आगे पंचायती तक का 7 किलोमीटर है जी। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का रास्ता पीडब्ल्यूडी विभाग से नहीं बन रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा महोदय, नहीं बन रहा ये रास्ता। और मैं मेरी विनम्र विनती और आग्रह आपसे कि फौरन चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को तलब करके पूछिए कि जब पंचायती को हमने टूरिस्ट विलेज बता दिया तो टूरिस्ट विलेज बनाने के बाद भी आखिरकार पंचायती की सड़क क्यों नहीं बनी है? लोग क्यों यहां पर, क्या नाला कहते हैं जी इसको? चोपू नाला कहते हैं। चोपू नाला से लोग वापस क्यों चले जाते हैं? लोगों की गाड़ियों के चैंबर टूट रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं, ये नीतीश हमारे साथ है, इसने गाड़ी बचाई है। जनाब मारो थोड़ी ब्रेक, देखिए क्या करे जनता। सड़क नहीं बना दी, सड़क नहीं बना दी, कैली नहीं बोला दे लोग। चक्कर अपना होगा, कुछ परेशानी होगी, कोई परेशानी होगी कुछ। ये तो नहीं पीडब्ल्यूडी को ब्रेक मारेंगे उल्टा हो जाएगा तेरी मोटरसाइकिल। लीडर नाराज हो जाते, लीडर नाराज हो जाते। बस आप लीडरों को खुश करते रहिए, सड़क आपकी बनने वाली नहीं। और बड़े अफसोस की बात है कि कैंथ गली से पंचायती तक का ये जो 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस 7 किलोमीटर के स्ट्रेच की क्या हालत है, वो हालत आप देख सकते हैं। और बड़ा अफसोस है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसकी नालायकी सामने आपको नजर आ रही है कि क्या तबाही है। और कितनी बेगैरती और बेशर्मी है कि खंभे लगा दिए। ये खंभे क्यों लगे हैं जी? सर ये जियो वालों ने लगाया है। अरे जियो वालों के खंभे? हाँ जियो वालों के। अच्छा सरकारी खंभे लगे नहीं अभी? सरकारी खंभे नहीं है। अच्छा ये प्राइवेट खंभे हैं। मतलब जियो का नेटवर्क पहुंच गया लेकिन हमारा के नेटवर्क नहीं, रोड का नेटवर्क नहीं है पहुंचा। लो जी सुन लो, कहते हैं जी रोड का नेटवर्क नहीं पहुंचा लेकिन जियो का नेटवर्क जो है वो पहुंच गया है। रोड का नेटवर्क जो है वो नहीं पहुंचा, जियो का नेटवर्क पहुंच गया है। पल्लवी जी भी आ गई अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ। जी पल्लवी जी क्या कहेंगे? एक्सपर्ट कमेंट ये कि वीडियो में इतना सा पोर्शन दिख रहा है और आपको लग रहा होगा कि ये वर्स्ट पोर्शन पे हम रुके हैं, लेकिन जो वर्स्ट पोर्शन है वो पीछे है जहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं जिसमें आपकी गाड़ी फंस जाएगी और उन गाड़ियों को आप संभाल नहीं पाओगे। इसे तो रुकी जाए यार, रुकी जाए। क्या चक्कर कैली मुंह बंद कितने दर? इतने सर ये ऐसे की हुआ। अच्छा क्या चक्कर है सड़क का? ठीक है जी, बस खड्डे ही इधर खड्डे हैं जी। ये सड़क कितने सालों से ऐसी देख रहे हो? ये बहुत सालों से सर, कोई 8-9 महीने। क्यों नहीं बनती? पता नहीं सर क्यों नहीं बना रहे। नहीं बना रहे? नहीं। तो ऐसी इसी सड़क पर स्कूटी चलती है? हाँ सर। नुकसान होता है स्कूटी का? हाँ बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा। हाँ हाँ। एक्सीडेंट भी होते हैं? एक्सीडेंट अभी शायद हुआ नहीं है, तो लेकिन कभी कभी हो ही जाता है, कभी कभी हो ही जाता है। तो सुन लिया आपने, बच्चे को रोकना पड़ा, बड़ी मुश्किल से स्कूटी यहाँ पर रोकी है क्योंकि ब्रेक मारना भी स्कूटी को बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। तो साफ तौर पर ये कि पीडब्ल्यूडी विभाग की नालायकी है, जिस नालायकी के चलते ये कैंथ गली से लेकर पंचायती तक का ये सड़क, कैंथ गली से पंचायती तक की ये रोड नहीं बनी है। और अफसोस की बात ये कि जब हम बात विभागों की करते हैं, जब हम बात जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों की करते हैं, तो क्या खरे आवाओ इधर सुनाओ तो है, तुम भी लोग अपना वो देखो गड्डी गड्डी आवा दी। देखो गड्डी किया डोल के खांदी, डोल के खांदे झूठे लैंदी गड्डी आवा दी। ये देखो ये गड्डी है जेडी झूठे लैंदी आवा करदी है। ये देखिए जी ये गली है, ये सड़क है। वाह वाह बहुत बढ़िया। ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों है आप? टेढ़ा टेढ़ा क्यों है आप? टेढ़ा रोड ही टेढ़ा है, रोड ही टेढ़ा है, रोड ही टेढ़ा। तो कितने सालों से इधर आ रहे हैं? हमारे 2 साल से। अच्छा यही है सड़क? यही सड़क। ये लीजिए ये सड़क है जी, ये देखिए
ये देखिए कितना मुश्किल है, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ रही है। ये हालत है सड़क की, ये है पंचहरी, ये टूरिस्ट विलेज, ये टूरिस्ट विलेज की सच्चाई, ये इस इलाके, इसको टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया है। और इसीलिए मैंने कहा था सागर से, तो हमें सुनाया रहा कि असल में काम करना होता है कश्मीर के लिए, लेकिन जब जम्मू से शोर उठता है, यहां के नेता कहते हैं कि जनाब हमारी भी सुनो, उसके बाद इस बेवकूफ बनाने के लिए सिलसिले बनाए जाते हैं। अगर सीरियसनेस होती तो पंचहरी का ये रोड जो है A1 होता, और हम इस वक्त जो है, और सैलानी की खास जगह जम्मू खिते च सड़क ही नहीं हुआ, सड़क ही नहीं हुआ, तो कने इना ठंडा इलाका, बिल्कुल ठंडा इलाका। बड़ा चबात लगता, मैं पहले भी ये गल की है कि फर्को फर्की ते ओआ कर दिए जम्मू कने, एदे च कोई दो राय नहीं है। फर्को फर्की, इसका मतलब भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये इलाका है, इलाका आपने देख लिया। अब जम्मू की जनता और जम्मू कश्मीर के लोग खुद फैसला करें कि इन इलाकों के साथ ज्यादती होती है या नहीं। तो आपने सुन लिया और आपने देख भी लिया कि पंचहरी की सड़क का हाल क्या है।